अहम बैठक की। जी हां, अहम बैठक इस वक्त जारी है। चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव इस बैठक को ले रहे हैं। आपको बता दें कि मंत्री भूपेंद्र सिंह, हितानंद शर्मा, सुमेर सिंह सोलंकी इस बैठक में शामिल है। इसके अलावा महेंद्र सिंह सिसोदिया, इमरती देवी भी बैठक का हिस्सा है। तो टिकट वितरण के बाद चुनौती पर अब चर्चा की जा रही है। और जाहिर सी बात है कि चुनाव के 2 महीने पहले बीजेपी ने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। ये साफ बताता है कि बीजेपी आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कितनी गंभीर है। रणनीतिक तौर पर धीरे धीरे बीजेपी चुनाव के लिए आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो हाल फिलहाल की बात की जाए तो एक अहम बैठक इस वक्त चल रही है बीजेपी दफ्तर में। आपको ये बता दें कि चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव खुद इस बैठक को ले रहे हैं, जिसमें मंत्री भूपेंद्र सिंह, हितानंद शर्मा, सुमेर सिंह सोलंकी शामिल है। इसके अलावा महेंद्र सिंह सिसोदिया, इमरती देवी इस बैठक का हिस्सा है। और बताया जा रहा है कि टिकट वितरण के बाद क्या कुछ चुनौती, इस पर चर्चा की जा रही है। इसी खबर पर ज्यादा बातचीत करेंगे। एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज जी हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। मनोज जी, इस वक्त आप बीजेपी दफ्तर में ही मौजूद है। टिकट वितरण के बाद किस तरह की चुनौतियां आ रही है जिसको लेकर इस वक्त चर्चा की जा रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने एक बढ़त ली है, ये बात सच है कि 39 सीटों पर अपने प्रत्याशी पहले से घोषित कर दिए। लेकिन भूपेंद्र यादव यहां पहुंचे हैं तो तमाम सारे मुद्दों पर और अलग अलग कमेटियां बनाई गई चुनाव से ठीक पहले, जिसमें भूपेंद्र सिंह भी है, सुमेर सिंह सोलंकी भी है, या फिर हम बात कहें महेंद्र सिसोदिया भी है, और इसीलिए अलग अलग जो कमेटियां बनाई गई उसकी बैठकें हैं। लेकिन जब तमाम बड़े नेता बैठते हैं तो सभी मुद्दे होते हैं उसमें। जाहिर है कि पहले से यदि टिकट घोषित होंगे तो कुछ लोग बड़े खुश होंगे, कुछ में हल्का सा असंतोष भी देखने को मिलता है। तो ऐसे बहुत मुद्दे होते हैं जिन पर चर्चा। बीजेपी पूरी तरह चुनाव मोड पर है। 19 तारीख को यानी कल भी एक बैठक होना और 20 तारीख को अमित शाह यहां पहुंच रहे हैं। मेरे साथ आशीष जी जुड़ रहे हैं, आशीष अग्रवाल जी मीडिया प्रभारी भी है। आशीष जी, बैठकों का दौर जारी है, अमित शाह जी भी आ रहे हैं 20 तारीख को, भूपेंद्र यादव अभी बैठक ले रहे हैं, और जाहिर है कि 39 सीटों पर जब पहले से प्रत्याशी घोषित करते हैं तो कुछ चुनौतियां भी होती, तो क्या चुनौतियां भी दिखाई दे रही? देखिए, जब आप इतनी सारी बैठकें और इतने सारे काम का जब जिक्र कर रहे थे तो मुझे गर्व महसूस होता है, क्योंकि एक वो पार्टी है जो माननीय अमित शाह जी के पहले प्रवास के साथ विजय संकल्प अभियान में जुट गई है, और अब वो हो रहा है जो कभी नहीं हुआ। 39 प्रत्याशी इतने समय पहले तय हो चुके, क्योंकि 51% वोट शेयर हमारा उद्देश्य है। और एक दूसरी पार्टी है जो अभी भी अपनी आंतरिक कलह में और दूसरों पे आरोप लगाने में जुटी, जिसका पता ही नहीं है। अभी जो बैठक चल रही है इसको किस रूप में देखें? देखिए, ये निरंतर चलने वाली बैठकें हैं और इन सबका उद्देश्य एक ही है, 51% वोट शेयर, 200 से अधिक सीटें, और इसके विभिन्न जो कार्य प्रक्रिया के जो काम हैं उनको सभी कार्यकर्ता और नेता कर रहे हैं। सभी की अपनी तय जिम्मेदारी है, सभी उस महायज्ञ में, जिसे 51% वोट शेयर का महायज्ञ में बार बार कह रहा हूँ, उसमें आहुति डाल रहे हैं अपने अपने स्तर पर। मुद्दा एक ही है जैसा आशीष जी कह रहे हैं कि 51% वोट शेयर, लेकिन खबर ये भी है कि 19 तारीख को एक बड़ी रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी यानी शिवराज सरकार, और उसके पहले उसकी तैयारियों पर भी चर्चा चल रही है, और जहां से जो कुछ चुनौतियां या जिसे असंतोष तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन चुनौतियां जाहिर है कि पहले से घोषित की है, तो इसीलिए घोषित करने के पीछे वजह भी ये है कि जहां कुछ कमियां हैं उसको दुरुस्त कर लिया जाएगा, और जहां समझाने से संवाद से काम हो जाएगा उसको भी दूर किया जाएगा। लेकिन ये बैठकों का और आज कल परसों यानी 3 दिन चलने वाला है। रितु, बिल्कुल, तो बैठकों का दौर लगातार जारी है, और जैसा कि मनोज जी बता रहे कि कल भी एक बैठक देखने को मिलेगी, और जाहिर सी बात है कि जो जो कमजोरियां हैं उसको बीजेपी दुरुस्त करने की कोशिश चुनाव के ठीक पहले कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आपको एक बार फिर से बता दें, भोपाल से इस वक्त ये बड़ी खबर है, जहां पर बीजेपी ऑफिस में इस वक्त अहम बैठक जारी है और चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव इस बैठक को ले रहे हैं। तो बड़े बड़े दिग्गज इस बैठक में शामिल है। देखने वाली बात होगी कि बैठक के बाद क्या कुछ तस्वीर सामने निकल कर आती है, क्या कुछ जरूरी दिशा निर्देश दिए जाते हैं।